सब केव नाम का ब्रिज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाय गाइस, कल हमने 7-8 अट्रैक्शंस कवर करी थी और आज जिस अट्रैक्शन में मैं हूँ, फोर्ट्रेस ऑफ जस्टिनियन, या फिर इसको आप कह सकते हैं कैसल ऑफ टिराना। कैसल जैसा तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर जो आप मेरे आसपास देखते हुए चलेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कैफेज़ हैं। सारे फोर्ट्रेस वर्ल्ड के ऐसे हो जाएं तो सोचो कितना कूल एक्सपीरियंस रहेगा ये। तो कल हमने 7-8 अट्रैक्शंस कवर करी थी, आज जो बाकी अट्रैक्शंस बच गई हैं वो कवर करते हैं हम लोग। ये जो फोर्ट्रेस है 1300 सदी का, अब इसमें है क्या, एक दीवार बची है बस, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जो चीज़ें वो आप देख रहे हैं और मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाता हूँ। फोर्ट्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट आप देखिए, ये है टोपटानी मॉल। इसको हम अट्रैक्शन में तो नहीं काउंट कर सकते, बट सिंस इन माय लास्ट वीडियो आई प्रॉमिस्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अंदर चल के देखते हैं और इसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये कोई बहुत ग्रैंड या ह्यूज मॉल तो नहीं है, बट टिराना जैसी एक स्मॉल सिटी के लिए अप्रोप्रिएट मॉल है ये। 5-6 स्टोरीज हैं इस मॉल में और वही यूजुअल स्टफ, नथिंग स्पेशल। वही ग्राउंड फ्लोर पे कॉफ़ी शॉप्स हैं 2-3, बाकी हर टाइप का स्टोर है यहाँ पर, किड सेक्शन वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर नहीं भी आते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। तो अगर जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये विज़िट कर सकते हैं, और अगर जो आपके पास लिमिटेड टाइम है तो यू कैन स्किप इट। मॉल के ऑपोजिट ही है ये एक आर्ट का नमूना। ये रेस्टोरेंट में यहाँ पर 2-3 बार आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पिज्ज़ा भी मिलता है और इसके अंदर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पर इन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया था, इनसे मेरा झगड़ा भी हुआ था इस बात पे कल। ये मैंने एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया था, अब हम चलेंगे टूवर्ड्स मदर टेरेसा स्क्वायर और उसके पास आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है। देखते हैं, मन करेगा तो विज़िट कर लेंगे। और है वहाँ पर ग्रैंड पार्क, काफ़ी ग्रीनरी बताई जाती है ग्रैंड पार्क में। सिटी का सबसे शांत हिस्सा है वो, और वहाँ पर एक वाटर बॉडी भी है, एक छोटा सा लेक है। तो कुछ टाइम मैं वहीं पर स्पेंड करूँगा। और रास्ते में आता है पिरामिड ऑफ टिराना, विच इज़ अ वेरी फेमस अट्रैक्शन, तो उसको देखते हुए विल गो टूवर्ड्स मदर टेरेसा स्क्वायर। ये है पिरामिड ऑफ टिराना और हमें ये पिक्चर्स देखकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी रिफर्बिश हो रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टेड तो पहले ही था, तो इसमें कुछ काम चल रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये पिरामिड बना था एक म्यूज़ियम के तौर पे, बट नाउ इज़ बीइंग यूज्ड एज अ कॉन्फ्रेंस सेंटर। और ये भी बताता चलूँ, जो 1999 में कोसोवो वार हुआ था, जिसमें सर्बिया पर बॉम्बारमेंट हुई थी, नाटो ने जो की थी, तो ये एज अ नाटो का बेस भी यूज़ हुआ था। और ये 1999 में हुआ था जब इंडिया भी फाइट कर रहा था कारगिल वॉर। इसको क्रॉस करके हम सीधा पहुंचते हैं मदर टेरेसा स्क्वायर। मदर टेरेसा स्क्वायर में अगर जो आप खड़े हैं तो यहाँ पर लेफ्ट में आपको दिखेगा नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, और इसके सामने इस बिल्डिंग पर जिस पे फ्लैग लगा हुआ है, ये है यहाँ की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। और इसके साइड में वो जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं वो पूरा ग्रैंड पार्क है। यहाँ पर किसी लोकल सॉन्ग की शूटिंग चल रही है, तो हम भी इंजॉय कर सकते हैं और मैं इसको शूट भी कर लेता हूँ इस सॉन्ग को।
आई होप आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा, मैंने तो काफ़ी इन्जॉय करा। वेल अब मैं आ गया हूँ ग्रैंड पार्क ऑफ टिराना में, और ये एक काफ़ी बड़ा पार्क है, और यहाँ पर आपके लिए है एक ज़ू भी है, और लेक है, एक चर्च है, प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है यहाँ पर। इट्स अ बोटैनिकल गार्डन एक्चुअली, और यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जिनमें आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। व्यू तो अच्छा है ही, और आपको सच बताऊं तो ये सिटी का मेरा फेवरेट पार्ट है। आप यहाँ पर आ सकते हैं एक वॉक के लिए, पूरा दिन आप अगर थके हुए हैं तो यहाँ आप थोड़ी देर वॉक करके अकेले में यू विल फील गुड। Thank you.
होप आपने ग्रैंड पार्क को एंजॉय किया होगा। काफ़ी शांति थी वहाँ पर और बीच में काफ़ी बारिश भी हो गई थी, काफ़ी अच्छा रहा। नाउ आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स स्कंदरबैग स्क्वायर। और वैसे तो मैं आपको कई बार ये दिखा चुका हूँ, ये नेशनल म्यूज़ियम और ये पूरा जो स्क्वायर है ये पूरा लाइवली हो जाता है इस टाइम पे। अब शाम होने वाली है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है इस टाइम पे। और एक तरफ में यहाँ पर जो चीज़ मैंने नहीं दिखाई थी वो थे यहाँ के कैफ़ेज़। यहाँ पर एक लाइन में पूरे ये रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप कहीं से घूम फिर के आर तक के आए हैं तो यहाँ पर आप कॉफ़ी पी के अपनी थकान उतार सकते हैं। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये साथ वाली मॉस्क से आ रही है, अच्छा लग रहा है सुनने में। और थोड़ा इसके अंदर दिखा भी देता हूँ आपको मॉस्क के अंदर का व्यू। काफ़ी रिलैक्सिंग था ये भी। तो गाइज ये सिकंदरबैग का जो स्क्वायर था वो आपने देख लिया। यहाँ पर जितनी अट्रैक्शंस थी 8-10 वो सारी मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आई एम गोइंग बैक टू माय हॉस्टल। तो रास्ते में एक अट्रैक्शन रह गई है, तप केव नाम का ब्रिज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 100-150 साल पुराना ब्रिज है। पहले यहाँ पर एक रिवर हुआ करती थी, इसी के ऊपर से मैं पास करूँगा। रिवर का नाम था लाना। तो ये लाना रिवर को क्रॉस करने के लिए था पहले, लेकिन इन्होंने करीब करीब 100 साल पहले रीरूट कर दी वो रिवर, तो अब वो रिवर तो है नहीं, लेकिन ब्रिज वहीं की वहीं खड़ा हुआ है और मैं अभी उसी ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा आपको साइड से दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ जो एक मेन रिवर है लाना रिवर, उसकी क्रॉसिंग के लिए था ये ब्रिज कभी।